फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आशाज स्पेशल किचन। दोस्तों, आज हम अपने किचन में बहुत ही मलाईदार, बहुत ही क्रीमी, टेस्टी, डिलीशियस आइसक्रीम रेडी करेंगे। और ये हम रेडी करेंगे फ्रेश कोकोनट से। हमें इसके लिए कुछ भी सामान बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, घर में रखी चीज़ से हम बना के रेडी कर लेंगे। सिर्फ दो इन्ग्रीडियंट्स हमारे लगेंगे और इतनी बढ़िया ज़बरदस्त हमारी आइसक्रीम बन के रेडी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप मार्केट में भी ऐसी आइसक्रीम लेने जाएंगे तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए देखिए, ये मैंने सबसे पहले गैस की फ्लेम पे कढ़ाई चढ़ाई है और उसमें डाला है मैंने 1/2 लीटर दूध। दोस्तों, मैंने काउ मिल्क लिया है, आप कोई भी दूध ले सकते हैं। और इसमें अब हम मिठास डालेंगे, तो मिठास के लिए देखिए ये मैंने चीनी डाली है इसमें, तो मैं इसमें 7-8 चम्मच चीनी डाल देती हूँ। आइसक्रीम हो सके तो थोड़ी मीठी ही बनानी चाहिए, क्योंकि जब आइसक्रीम बनके रेडी हो जाती है ना, उसमें अगर परफेक्ट मिठास नहीं आती ना, तो आइसक्रीम अधूरी अधूरी सी लगती है, उसका स्वाद थोड़ा आधा अधूरा लगता है। इसलिए मिठास हमें ठीक ठाक रखनी चाहिए। अब देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कॉर्नफ्लोर हमने लिया है, 2 चम्मच भर के हमने कॉर्नफ्लोर लिया है। इसमें मैं दूध डाल देती हूँ, तो ये जो कढ़ाई में मैंने दूध 1/2 किलो लिया, इसी में से मैं 3-4 चम्मच इसमें दूध डाल दूँगी और इस कॉर्नफ्लोर को अच्छे से इसमें मिक्स कर दूँगी। अब इसको मिक्स करके हम रख लेते हैं, तब तक हमारा दूध गर्म हो रहा है। दोस्तों, ये दूध गर्म हो के उबलने लग गया। अब इसमें हम कॉर्नफ्लोर वाला दूध ऐड कर देंगे और इसको हम इसी तरीके से लगातार चलाते भी रहेंगे। दोस्तों, आज तक आपने यूट्यूब पे ऐसी आइसक्रीम नहीं देखी होगी इतनी आसानी से बनाए जाने वाली, और सिर्फ 2 चीज़ों से इतनी मलाईदार, इतनी टेस्टी आपकी आइसक्रीम बन के रेडी होगी ना कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, हम इसमें कोई क्रीम नहीं डालेंगे, कोई कंडेंस मिल्क नहीं डालेंगे, किसी तरह की मलाई का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ दूध और नारियल से आइसक्रीम तैयार होगी। और जब आप इसे बना के एक बार खाएंगे ना, इसका टेस्ट भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों, दूध को पकाते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और देखिए, मैं आपको दूध दिखा देती हूँ। ये गाढ़ा हो गया है पहले से, अब ये गाढ़ा हो चुका है, अब हमें इससे ज़्यादा गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। गैस की फ्लेम कर देते हैं ऑफ। चलिए, अब ले लेते हैं ये हम कोकोनट। तो ये मैंने फ्रेश कोकोनट लिया, ये 1 नारियल है, इसको मैंने फोड़ के इसके टुकड़े कर लिए हैं और देखिए इसके छिलके भी मैंने उतार दिए। जब हम छिलके पीसते हैं ना, तो काले काले जब छिलके हमारे आइसक्रीम में नज़र आएंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए मैंने इसके छिलके उतार दिए हैं। और अब मैं इनके टुकड़े कर लेती हूँ, बारीक बारीक पीस कर लेती हूँ। तो कुछ मैंने लंबे लंबे से पीस पतले पतले से काट लिए हैं, ये जो मैं दिखा रही हूँ इस तरह के कुछ पीस काट लिए हैं, और ये मैंने बाकी के बारीक पीस काट लिए। इनको अब मैं पीस लेती हूँ, जो लंबे लंबे काटे ना, इनको अभी हम ऐसे ही रख लेंगे। और देखिए, अब मैंने मिक्सर ग्राइंडर का जार ले लिया, इसमें मैं ये नारियल डाल देती हूँ जो मैंने ये बारीक पीस में काट के रखे हैं। दोस्तों देखिए, सारे नारियल के जो हमने पीस करे थे वो इसमें डाल लिए। इसमें मैं 5-6 चम्मच दूध डाल देती हूँ, जिससे कि आसानी से इसका स्मूथ पेस्ट रेडी हो जाए। और देखिए, ये मैंने इसका स्मूथ पेस्ट भी बना के रेडी कर लिया है, बहुत ही स्मूथ, बहुत बारीक पेस्ट ये देखिए रेडी बन हो गया है। और मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही बढ़िया इसका पेस्ट बन के रेडी हुआ है। बस इसी तरीके का हमें पेस्ट बना लेना है। देखिए दोस्तों, जो दूध हमने ठंडा होने रखा था, ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है और गाढ़ा भी हो गया है, पहले से काफ़ी थिक हो गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं फ्रेश कोकोनट का जो हमने पेस्ट रेडी करा, उस पेस्ट को इसमें ऐड कर देंगे। सारा पेस्ट इस दूध में हम ऐड कर लेते हैं। दोस्तों, ये दूध और कोकोनट का हमारा लिक्विड रेडी हो चुका है और अब हम ले रहे हैं आइसक्रीम का मोल्ड। तो देखिए, इसमें मैं भर देती हूँ, सारे मोल्ड में मैं थोड़ा थोड़ा करके ये जो हमने लिक्विड रेडी करा है दूध का, उसे डाल देते हैं। दोस्तों, आप यकीन मानिए, जब मैंने इस आइसक्रीम को रेडी करा तो मुझे खुद नहीं मालूम था कि इतनी लाजवाब, इतनी टेस्टी ये आइसक्रीम हमारी बन के रेडी होगी।
दोस्तों आप एक बार इस आइसक्रीम को ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। सिर्फ आधा किलो दूध में ये हमारी इतनी सॉरी पॉप्सिकल इतनी आइसक्रीम बनके रेडी हो जाएगी ना कि आप जब मार्केट से ख़रीदने जाएंगे ना तो चार गुने पैसे दे के भी आपको इतनी सारी आइसक्रीम्स नहीं मिलेंगी। दोस्तों जो हमने पतले पतले लंबे लंबे कोकोनट के पीस काटे थे ना, अब उसको हमने हर सांचे में दो दो पीस को डाल दिया, क्योंकि जब हम आइसक्रीम खाएंगे ना और मुंह में वो जब हमारे पीस आएंगे ना तो बहुत अच्छे लगेंगे। दोस्तों अब इन सांचों को हमने अच्छे से फिल भी कर दिया, इसके अंदर हमने कोकोनट के पीस भी डाल दिए हैं। अभी सारे सांचों को हम कवर कर देते हैं। दोस्तों देखिए अब ये हमारा जो मोल्ड है वो पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब इसे हम फ्रीजर में रख देते हैं, कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए हम इन्हें फ्रीजर में रख देंगे, फिर चेक करेंगे। और दोस्तों देखिए अब जो हमने लिक्विड रेडी करा था ना वो थोड़ा हमारा बच गया है, तो हम एक छोटे से बॉक्स में इसे डाल देते हैं और इसमें हम डाल के थोड़ी आइसक्रीम अलग से जमा देंगे। आपको ये भी दिखा देंगे कितनी परफेक्ट ये जम के रेडी होगी। अब इस बॉक्स में मैंने आइसक्रीम का लिक्विड डाल दिया है और इसको मैं फॉइल पेपर से कवर कर देती हूँ। दोस्तों फॉइल पेपर को हमेशा आप टच करके रखिए, आप जहाँ तक हमारा जो लिक्विड आया वहाँ तक आप टच कर दीजिए, फिर इस तरह से फोल्ड कीजिए, उससे क्या होता है ना आइस क्रिस्टल्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं। दोस्तों अगर आपके पास आइसक्रीम मोल्ड ना हो तो कोई बात नहीं, आपके घर में जो ग्लास होते हैं आप उसी में आइसक्रीम का लिक्विड इस तरह से डालिए और उसे आप ऊपर से पन्नी से कवर कर दीजिए, रबर बैंड से फिक्स कर दीजिए और उसके अंदर आप स्पून डाल दीजिए। आपकी इसी तरीके से पॉप्सिकल्स बनके रेडी हो जाएंगी। तो 8 घंटे हो चुके हैं, मैंने मोल्ड को निकाल लिया फ्रीजर से। देखिए मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ, आइसक्रीम कितनी आसानी से निकल गई। सिर्फ हमने 2 मिनट के लिए इसे रख दिया था बाहर और देखिए कितने आराम से कितनी बढ़िया कितनी प्यारी प्यारी आइसक्रीम्स निकल के आ रही हैं। बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल मलाईदार बहुत ही क्रीमी आइसक्रीम हमारी बन के रेडी हुई है। दोस्तों बिना किसी मेहनत के सस्ते में ही इतनी बढ़िया इतनी ज़बरदस्त आइसक्रीम हम घर में ही बना सकते हैं, अपने बच्चों को खिला सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, पूरी फैमिली को खिला सकते हैं, तो बाहर से इतनी महंगी महंगी आइसक्रीम लाके खाने की हमें ज़रूरत ही क्या है। दोस्तों बिना व्हिप्ड क्रीम के बिल्कुल व्हिप्ड क्रीम जैसी मलाईदार आइसक्रीम बनके रेडी हुई है। इसमें कोई भी क्रिस्टल नहीं, किसी भी तरीके का क्रिस्टल नहीं है, बहुत ही क्रीमी आइसक्रीम बनी है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बॉक्स भी दिखा देती हूँ, बॉक्स में भी हमारी आइसक्रीम जम चुकी है और इसको मैं दिखा देती हूँ आपको कितनी बढ़िया ये भी आइसक्रीम हमारी जम के रेडी हुई है। देखिए दोस्तों देखने से ही पता चल रहा होगा आपको कि कितनी बढ़िया आइसक्रीम हमारी बनके रेडी हुई है। इसको चलिए अब डीमोल्ड कर लेते हैं। दोस्तों बहुत ही स्मूथ आइसक्रीम बनी है, इसकी कटिंग बहुत ही आराम से हो रही है दोस्तों और बहुत ही क्रीमी बनी है। दोस्तों इसमें आइस क्रिस्टल तो दूर दूर तक नहीं है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया आइसक्रीम बनी है। दोस्तों इसी तरीके से आप भी आइसक्रीम बनाइए और एंजॉय कीजिए। दोस्तों आपने देखा हमने कितनी सारी आइसक्रीम सिर्फ आधा किलो दूध में बना के रेडी कर ली है, दोस्तों इससे बढ़िया क्या बात होगी। दोस्तों आपने पूरी रेसिपी देखी और आपको क्या क्या अच्छा लगा रेसिपी में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। और दोस्तों आप इसी तरीके से मेरे वीडियो देखते रहें इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।